हेलो एवरीवन, वेलकम टू सोनिका फूड रेसिपी। तो आज हम यहाँ पर बहुत ही टेस्टी सा स्नैक्स बनाकर तैयार करेंगे, जिससे हम बची हुई रोटी से बनाएंगे और ये बहुत ही टेस्टी बनता है, जिसे आप बच्चों को टिफ़िन में भी दे सकते हैं। आप बच्चों को टिफ़िन में सॉस के साथ दे सकते हैं या फिर आप इसे ग्रीन चटनी के साथ दे दीजिए, बच्चे इसे बहुत ही पसंद से खाएँगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस रेसिपी को बनाना। तो देखिए, यहाँ पर इस रेसिपी को बनाने के लिए हमें चाहिए 2 बॉयल्ड आलू। तो चलिए अब हम आलू को साइड कर लेते हैं और यहाँ पर हम एक बाउल ले लेंगे। तो यहाँ पर जो हमने बॉयल्ड आलू लिया था उसे हमें ग्रेट कर लेना है। तो देखिए, मैंने इसे ग्रेट कर लिया है। तो यहाँ पर हम दोनों आलू को इसी तरह से ग्रेट कर लेंगे। तो देखिए, यहाँ जो आलू है वो हमारा ग्रेट हो गया है। तो अब हम यहाँ पर एक बारीक कटा हुआ प्याज इसमें डाल देंगे और यहाँ पर मैंने एक हरी मिर्च को काट कर ले लिया है और यहाँ पर हम आधा इंच अदरक का टुकड़ा जो है वो ग्रेट किया हुआ इसमें डाल देंगे और यहाँ पर मैंने बारीक कटा हुआ थोड़ा सा धनिया पत्ती डाल दिया है। आधा चम्मच हम यहाँ पर लाल मिर्च का पाउडर डाल देंगे। 1/4 चम्मच यहाँ पर हम हल्दी पाउडर डाल देंगे। उसके बाद हम यहाँ पर स्वाद के अकॉर्डिंग थोड़ा सा नमक डाल देते हैं और यहाँ पर मैंने 1 छोटा चम्मच आमचूर पाउडर लिया है। और सारी चीज़ों को डालने के बाद हमें इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो देखिए, ये जो मिक्सचर है वो हमारा रेडी हो गया है। तो हम इसे साइड कर लेंगे और यहाँ पर एक और बाउल लेंगे और इसमें हम 1 बड़ा कप बेसन डाल देंगे और यहाँ पर इसी बेसन में हम बारीक कटा हुआ थोड़ा सा धनिया पत्ती डाल देंगे और 1/4 चम्मच यहाँ पर हम लाल मिर्च का पाउडर और 1/4 चम्मच यहाँ पर हम हल्दी पाउडर डाल देंगे और स्वाद के अकॉर्डिंग नमक डाल देंगे। और यहाँ पर मैंने 1 कप पानी लिया है और इसमें हम थोड़ा थोड़ा डालकर इसका हमें एक बैटर तैयार कर लेना है। तो यहाँ पर इसका बैटर जो है वो ना ही ज़्यादा आपको गाढ़ा रखना है और ना ही ज़्यादा पतला करना है। इसकी कंसिस्टेंसी कुछ इस तरह से होनी चाहिए। और यहाँ पर देखिए, मैंने 1 कप पानी लिया था, बस थोड़ा सा ही पानी जो है वो हमारा बच गया है। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए हम यहाँ पर बची हुई रोटी लेंगे। तो यहाँ पर मैंने सुबह में ब्रेकफास्ट में रोटी बनाया था तो वो मैंने यहाँ पर 2 ले लिया है और यहाँ पर आप रात की भी बची हुई जो रोटी है वो भी ले सकते हैं। और यहाँ पर हम एक रोटी को इस तरह से साइड में रख देंगे और इसके ऊपर जो एक रोटी है उसके ऊपर हमने जो आलू की स्टफिंग बनाई थी वो इसके ऊपर इस तरह से रख देंगे और इसे हमें चारों तरफ फैला कर लगा लेना है। तो यहाँ पर चारों तरफ से हम हाथों से इसे फैला देंगे। तो यहाँ पर देखिए, आलू का जो मिक्सचर है उसे मैंने इस तरह से लगा लिया है रोटी के ऊपर और यहाँ पर जो दूसरी रोटी है वो हम इसके ऊपर इस तरह से चिपका देंगे। आप यहाँ पर दूसरी रोटी के ऊपर थोड़ा सा सॉस भी लगा सकते हैं और सॉस लगाने के बाद आप इसे इसके ऊपर रख दीजिए। और यहाँ पर ये देखिए, हमें इसे इसी तरह से बीच से कट कर लेना है। तो देखिए, यहाँ पर रोटी को मैंने इसी तरह से 2 पार्ट में कट कर लिया है और यहाँ पर जो ये मैंने 2 पार्ट किया था उसमें भी हम कट लगा के इसके भी हम 2 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। और यहाँ पर हम इसी तरह से सारी रोटी को हम कट करके तैयार कर लेंगे। आप चाहे तो इस रोटी को 4 पार्ट में भी डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर इस रोटी को 8 पार्ट में डिवाइड कर लिया है। और यहाँ पर आप इसे गोल शेप में भी काट सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, सारी रोटी को मैंने इसी तरह से कट कर लिया है। तो यहाँ पर सारी रोटी को मैंने इस प्लेट में निकाल लिया है इस तरह से। तो यहाँ पर इसे हमें फ्राई करना है, तो इसके लिए मैंने यहाँ पर कढ़ाई में पहले से ही तेल डाल कर रख दिया है गर्म होने के लिए। तो देखिए, तेल जो है वो हमारा गर्म हो गया है। तो यहाँ पर जो हमारा बेसन का जो हमने बैटर बनाया था उसमें हम रोटी को डिप कर देंगे और इसे हमें डिप करके इसी तरह से तेल में फ्राई कर लेना है। और यहाँ पर ये देखिए, बेसन में हम इसी तरह से रोटी को डिप करेंगे और इसे हम तेल में डालकर इसी तरह से हम फ्राई कर लेंगे। और यहाँ पर इसे हमें थोड़ा गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेना है। तो देखिए, यहाँ पर ये गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। तो चलिए, हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। और यहाँ पर देखिए, मैंने इसे एक प्लेट में सर्व कर लिया है और ये जो रेसिपी है वो बहुत ही टेस्टी और अच्छी बनती है। तो यहाँ पर ये देखिए, बची हुई रोटी के जो स्नैक्स हैं वो बहुत ही टेस्टी बने हैं। तो मैं आपको इसे एक तोड़ के दिखा रही हूँ। देखिए, ये कितने अच्छे दिख रहे हैं और ये बहुत ही अंदर से सॉफ्ट बनते हैं और ऊपर से क्रिस्पी। तो अगर आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।